वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। सो हेलो माय सिकंदरों एंड बंदरों, वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑफ 100 मिनट्स का डेली डोज बिगिनर्स कोर्स, जिसके अंदर कर रहे हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बिल्कुल जी, वो घड़ी आ गई जहां पीएनसी को भी बेसिक से करने वाले हैं। सो इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम और यू जस्ट वांट टू रिवाइज योर बेसिक्स, तो बॉस यही वो सेशन है। ठीक है जी, तो लिख दो जल्दी से, क्या लिखोगे यार, लेट द मैजिक बिगिन। मैं हूँ नेहा अग्रवाल और आपके साथ चल रहा है 21 दिन 21 चैप्टर्स को खत्म करने का चैलेंज विद बेसिक्स। ठीक है, इसके बाद जे लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इन बेसिक सेशंस के बाद यू कैन डेफिनेटली रेफर टू tinyurl.com/jeewithneha। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे हर एक चैप्टर को मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ, जे मेंस के आपके PYQs, NTA अभ्यास क्वेश्चंस के साथ एंड देन जे एडवांस के साथ पूरा प्रिपेयर कर सकते हो। PDF को ज़रूर चेकआउट करना, एब्सोल्युटली फॉर फ्री। एंड आपको फिर ये तो पता ही है यार, कितनी बार बता दिया, DPPs इन सेशंस के आपको मिल रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप ऑफ मैथमेटिकली इंक्लाइंड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो स्टार्ट कर दे एक बारी, स्वागत नहीं करोगे हमारा एवरीवन। चलिए इस सेशन को ना इस इंटेंट से भी देखना कि जब आप प्रोबेबिलिटी में जाओगे या बाइनोमियल थ्योरम में जाओगे तब भी ये चीज़ें बहुत तगड़ी तरीके से काम आने वाली हैं। सो बता दो एक बारी, रेडी लिख दो इन द चैट सेक्शन, अटेंडेंस आई होप सब बच्चों ने लगा दी है। तो मैजिक को बिगिन करते हुए वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी थिंग, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आप डूबो मत कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, एक कहानी की तरह सब कुछ पढ़ाती जाऊंगी। पीएनसी से यूजुअली हम एक सवाल तो एक्सपेक्ट करते ही है जेई मेंस में, हाँ क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का भी साथी है, तो इसलिए काफ़ी रिक्वायर्ड टॉपिक है। एंड कुछ सेशंस में तो हमने दो दो क्वेश्चंस भी देखे हैं पीएनसी में। ओके, स्टार्ट करते हैं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक लॉजिक से एक चीज़ बताओ यार, तुम एक प्लान कर रहे हो अपना ट्रिप, हाय वो दिन, ठीक है, तो भैया यहाँ पे 3 सिटीज़ है तुम्हारे सामने, तो यार मेरे पास सिटी 1 है, 2 है, 3 है। अब मैंने कहा यार एक ए से बी सिटी पे जाने के लिए मेरे पास 2 रूट्स हैं, ठीक है, या तो मैं रूट नंबर 1 या रूट नंबर 2 से जाने वाली हूँ, बढ़िया। एंड बी से अगर मुझे सी पे जाना है तो अब यहाँ पे मेरे पास 3 अलग अलग रूट्स हैं, करेक्ट। हाउ मैनी डिफरेंट रूट्स आर देयर टू गो फ्रॉम ए टू सी वाया बी, ठीक है, डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपकी कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, कोई डायरेक्ट बस नहीं है, आपको वाया बी ही जाना पड़ेगा। तो मान लो मैंने कहा यार यहाँ पे देखो दो ही रास्ते हैं ए से बी जाने के लिए, भैया या तो आप ट्रेन ले लीजिए या आप फ्लाइट ले लीजिए। यहाँ पे मैंने कहा कि यार बी से सी जाने के लिए फिर से ट्रेन है, फ्लाइट है, या फिर बाय बस भी या बाय रोड भी आप यहाँ पे जा सकते हो। अब आप काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे, कई सारी चीज़ें खुद से बना सकते हो, है ना, लॉजिकल है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला यार ए से बी तो मैं ट्रेन पे जाऊंगी, करेक्ट, ए से बी तो मैं ट्रेन पे जाऊंगी, एंड उसके बाद बी से सी मैं फिर से ट्रेन से ही चली जाऊंगी, राइट, डायरेक्ट ट्रेन नहीं ऐसे ही जाना पड़ेगा, तो ये एक तरीका हो गया। अब ए से बी ट्रेन पे जाऊंगी लेकिन यहाँ से मैं फ्लाइट ले लूँगी सी के लिए, या फिर ए से बी मैं ट्रेन से जाऊंगी लेकिन आगे के लिए मैं बाय बस चली जाऊंगी पॉइंट सी पे। तो भैया ये तो अभी मैंने सिर्फ ट्रेन वाले केस लिए हैं, अब फ्लाइट वाले केस भी यही होंगे, करेक्ट। तो यानी टोटल 6 जो यहाँ पे बच्चे आग लगा ही रहे हैं चैट सेक्शन में कि मैम 6 तो आंसर होगा ही होगा, करेक्ट, मैं भी मानती हूँ, तो कुछ मुश्किल था क्या, लॉजिकली था। अब यहाँ पे दो चीज़ों से आप आंसर दे सकते थे, या तो ये 3+3 कर सकते थे, है ना, कि ट्रेन से शुरुआत करते हुए 3, फ्लाइट से स्टार्ट करते हुए 3 एंड टोटल 6 तरीके, या फिर आप यहाँ पे कहते यार इसके लिए 2 तरीके एंड इसके लिए 3 तरीके, तो भैया टोटल 6 तरीके। नाउ लॉजिक तो ये हो गया, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो आपने कॉन्सेप्ट किया है बेटा, इसको परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो आपको लगेगा यार बड़ी तोप चीज़ पढ़ ली आज, तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है,
पहला है आपका एडिशन प्रिंसिपल, दूसरा है हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो अभी जिसका मैंने यूज किया, अगर तुम ये कॉन्सेप्ट पढ़ जाओगे ना, तुम्हारी आधे से ज्यादा दुख दर्द पीड़ा कम हो जाएगी, मतलब खत्म ही हो जाएगी पीएनसी की। क्या है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, क्या कहता है? इफ एन इवेंट कैन अकर इन एम डिफरेंट वेज और इन एन डिफरेंट वेज बट नॉट साइमल्टेनियसली, यानी यार एक इवेंट है जो एम तरीके से हो सकता है, दूसरा एन तरीके से हो सकता है, देन टोटल अकरेंस, ये थोड़े से स्विच हो गए, आई थिंक यहाँ पे यहाँ हो गया और वहाँ पे वहाँ हो गया, समझ रहे हो? चलो कोई नहीं, ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ये आपका एडिशन है, तो कोई बात नहीं, इसको ठीक कर देंगे आप। यहां पे समझ लो, पहले ये चीज समझ लेते हैं हम कि उसने कहा यार अगर एक काम को करने के m तरीके हैं, फॉलोइंग विच दूसरे काम को करने के n तरीके हैं, देन टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर इज m इंटू n, जो कि मैंने किया यहां पे, है ना, जो कि हमने किया यहां पे, इसको कहा था हमने मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। यानी कि मैंने बोला ए पे बी जाने के दो तरीके हैं, बी से सी पे जाने के लिए तीन तरीके हैं, तो हमने कर दिया 2 into 3। अगर मैं कहती कि यार ऐसा है, देखो अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने बोला ऐसा है कि यार एक क्लास में ना, ये एडिशन प्रिंसिपल की बात कर रही हूँ, अब मुझे बताना एक क्लास में यार 7 लड़कियाँ हैं, ठीक है, एंड 9 लड़के हैं, और मैंने बोला कि या तो मुझे एक लड़का चाहिए, ठीक है, या फिर एक लड़की चाहिए, यानी दोनों नहीं चाहिए, दोनों एक साथ नहीं चाहिए, या तो ये चाहिए या तो वो चाहिए, इस केस में क्या करोगे? जैसे ही आपने या ओ या सुना, यानी कि वन बॉय, मतलब यहाँ पे आपके पास 9 ऑप्शन है, 7 गर्ल्स 7 ऑप्शंस है, यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। तो इफ एन इवेंट कैन अकर इन एम डिफरेंट वेज और इन एन डिफरेंट वेज बट नॉट साइमल्टेनियसली, साथ साथ ये काम नहीं हो सकता, इसमें आपको साथ ही करना है, ठीक है, इन दैट केस एम प्लस एन वेज में आप लोग ये काम कर सकते हो, समझ रहे हो? तो कीवर्ड को पकड़ो, क्या है आपका कीवर्ड? कीवर्ड कहता है यार बहुत ही एक धाकड़ वाली चीज, कीवर्ड बेटा बोलता है तुम्हारा कि अगर आप एडिशन प्रिंसिपल लगा रहे हो तो आपको और वर्ड का वेट करना है, एंड अगर आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा रहे हो तो आपको एंड का वेट करना है, ठीक है, समझ रहे हो? तो मैंने क्या बोला, एडिशन प्रिंसिपल लगाना है तो और वर्ड होना चाहिए जहाँ केसेस हो सकते हैं, एंड ये बनाना है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल तो एंड वर्ड आपके उसमें आ रहा होगा, ये कीवर्ड है। चलिए नेहा मैम, इस चीज़ की तो क्लैरिटी आई, तो आज ना बातों बातों में क्वेश्चन क्वेश्चन में ही हम कॉन्सेप्ट फोड़ते चलेंगे, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू दिस वन। देर आर 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन विच 10 आर बॉयज एंड 5 आर गर्ल्स। अच्छा जी, अब क्लास टीचर ने कहा सिलेक्ट ईदर अ बॉय और अ गर्ल फॉर मॉनिटर ऑफ द क्लास, इन हाउ मेनी वेज क्लास टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन? तो यार या तो 10 ऑप्शन है उसके पास, या यहाँ पे 5 ऑप्शन है, और उसने देखो कीवर्ड दे रखा है और, तो क्वेश्चन तो यार बहुत ही हल्का हो गया, क्या 15 इज द आंसर? सबको चमचम चमका होगा, सबको चमचम चमक गया होगा, राइट, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ती हूँ, इस क्वेश्चन को हम डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन बनाते हैं, इसका कॉमेंट सेक्शन में ना आप मुझे आंसर कॉमेंट करके बताना, ठीक है, तो क्या लिखोगे DIY एंड इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताना, बिल्कुल हल्का फुल्का सा सवाल है। और एक और चीज़ को याद रखना, ये सेशन के ख़त्म होते ही 100 मिनट्स बेसिक्स PNC लिखो या परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस डन लिखना, और बाकी अपने यार प्यार मोहब्बत वाले दिल विल थोड़े से बना देना ताकि नेहा मैम को भी खुशी हो जाए, अभी नहीं कॉमेंट सेक्शन में बाद में बताना। चलो अगले सवाल पर आ रही हूँ मैं। अ बॉय हैज़ 4 t-shirts, ठीक है, ठीक है जी, एंड 3 pair of pants, ओके, एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटफिट्स दैट द बॉय कैन मेक। क्या होगा इसका? भैया वो एक टी शर्ट के पास, उसके पास 3 ऑप्शन है, तो आई थिंक यहाँ पे बच्चे इसको उड़ा देंगे बहुत ही जल्द कि 4 into 3 है नहीं हमाम, ये तो कितने कॉम्बिनेशन वो बना सकता है यार पहनने के लिए, राइट? 4 t-shirts है, 3 pants है, तो कितने कॉम्बिनेशन? 12 कॉम्बिनेशन। अब इसमें हम थोड़ी ना कुछ भी लिख के बताएंगे, ये तो आप ही कर लेंगे ना, लॉजिक है।
तो सिंपल प्यारा सा लॉजिक है। चलिए अच्छा, अब इन एन आइसक्रीम पार्लर 6 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम आर देयर, राइट? तो 6 फ्लेवर्स हैं और यहाँ पे कहा 3 डिफरेंट कोन्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन ईट आइसक्रीम? ये तो लिटरली आइसक्रीम क्वेश्चन ही हो गया, क्या ही है इसमें यार। ये वाले उसको मान लो टुट्टू कौन है, पिट्टू कौन है, ठीक है, एंड टिट्टू मिट्टू कौन है, ठीक है। अब इस फ्लेवर को या तो इसमें डालोगे या इसमें डालोगे या इसमें डालोगे, तो हर एक फ्लेवर के लिए 3 ऑप्शन हुए, तो 18। ये तो यार गेम जैसा हो गया है ना, बहुत ही सिंपल हो गया। चलिए अब इस सवाल को पकड़ते हैं, तो धीरे धीरे क्या है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ लंबी छलांग मारेंगे पीएनसी में, राइट? सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। अभी इसका आंसर बता दो। इन एन इवेंट ऑफ ईटिंग अ कंप्लीट लंच इफ वन हैज 5 चॉइसेस इन स्टार्टर्स, भैया क्या मंगाते हो तुम लोग यार स्टार्टर्स में, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताओ। तो 5 स्टार्टर हैं भैया, 15 ऑप्शंस मेन कोर्स के हैं, ओके, एंड 3 ऑप्शन डेजर्ट्स के हैं। भैया ऐसा है, मैं तो स्टार्टर के बाद डेजर्ट पे ही चली जाऊंगी, मेन चेन नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना। यही फंडा होगा तुम्हारा भी, तुम में से कई लोगों का। द नंबर ऑफ वेज इन विच ही और शी कैन टेक हिज लंच, कितने तरीकों से ये लंच खा सकता है ना। तो भैया यहाँ पे आप बोलोगे 5 ऑप्शन है या 15 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है, तो क्या ही कर लोगे। तो ये तो 15 × 15 या तो 225 ऑप्शन है, करेक्ट, 225। अभी मैं यहीं पे थोड़ा कहानी में ट्विस्ट ले आऊं, ठीक है, यहीं पे कहानी में ट्विस्ट ले आऊं। मैंने बोला ऐसा है कि वो यार ही हैज टू चूज ईदर अ स्टार्टर और अ मेन कोर्स, ठीक है, और अ डेजर्ट। इस केस में क्या करोगे, जरा कान में बता दो, मुझे बता दो ना, जल्दी बता दो। एग्जैक्टली आप बोलोगे नेहा मैम आपने और ही कह दिया, तो या तो 5 में से एक स्टार्टर ले लूंगा, या तो 15 में से एक मेन कोर्स, या 3 में से ये, तो भैया 23 आंसर हो जाएगा इस केस में। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ रहा है एंड एंड और का। एंड मतलब मुझे सब कुछ करना है, और मतलब या मुझे ये करना है, या मुझे वो करना है, या मुझे ये करना है। अभी हो सकता है कई बच्चे सेशन देख रहे हो और वो लग रहा है यार ये तो कैसे हल्के फुल्के से सवाल करा रहे हैं। यही सवाल एंड यही अंडरस्टैंडिंग आगे के क्वेश्चंस में हमें बहुत काम आने वाले हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर, जरा देखें, लेट मी सी। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया अब सुनो, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 5, 3, 7 ओनली इफ नो रेपिटेशन इज अलाउड। आप रिपीट नहीं कर सकते, कितने नंबर बना सकते हो, अब यहाँ थोड़ा सोचो कितने नंबर तुम क्रिएट कर सकते हो 5, 3, 7 के साथ। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है ना बॉस, मैंने आपको ये थोड़ी ना बोला कि आप 1 डिजिट बना सकते हो, 2 डिजिट या 3 डिजिट, यानी कंसिडर करते हुए तो आप सारे ही करोगे, राइट? तो आप बोलोगे यार नेहा मैम आप 1 डिजिट नंबर पूछ रहे हो, या आप 2 डिजिट नंबर पूछ रहे हो, या आप 3 डिजिट नंबर पूछ रहे हो। अब या तो आप डिजिट लेके 1 डिजिट नंबर बनाओगे, या 2 डिजिट बनाओगे, या 3 डिजिट बनाओगे। तो ये जो या बोल दिया ना मैंने, तो आपको ये पता चल गया है। और वैसे भी याद रखो, जब जब केसेस बनेंगे वो केसेस ऐड होता है उसका फाइनल आंसर। अच्छा, तो एक ही डिजिट का नंबर बनाना है तो भैया 3 ही ऑप्शन है, या तो आप 5 बनेगा वो, या 3 बनेगा, या 7 बनेगा, तो 3 ही ऐसे नंबर बन सकते हैं। डबल डिजिट नंबर बनाना है तो क्या करोगे, देखो या तो लॉजिक से सोचो, 53 बनाओगे या 35, भैया ऑर्डर मैटर करता है ना, 57 बनाओगे या 75, 37 बनाओगे या 73। तो मैं ऐसा भी तो कह सकती हूँ ना, ये सब तो आपने एक एक करके कैलकुलेट किया, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन इसका क्विक तरीका क्या था यार, 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो यहाँ पे पहले डिजिट पे रखने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, 5, 3, 7। उसने कहा रेपिटेशन अलाउड नहीं है, आप रिपीट नहीं कर सकते एक बार जो यूज़ कर लिया, तो जो भी इनमें से एक यूज़ हो जाएगा लेकिन 2 तब भी बचेंगे, तो 6 है। आप ऐसा भी कर सकते थे 2 × 3,
सही है, हाँ, 6 डबल डिजिट सबको चमका, है ना, 6 डबल डिजिट सबको चमका, ठीक है। अब 3 डिजिट कितने होंगे, 3 डिजिट कितने नंबर बनाओगे तुम? अब तुम बोलोगे नेहा मैम ऐसा है, फर्स्ट वाले पे 3 ऑप्शन खुली है, दूसरे वाले पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन खुली है, तीसरे वाले पे 1 ही ऑप्शन खुली है, कितने नंबर्स बना सकते हो यार? 6 नंबर यहाँ पे भी बना सकते हो, तो 6, 6, 12, 3, 15 इसका जवाब 15 है। कुछ बच्चे 105 दे रहे थे शुरुआत में, बट आई होप ये चीज की क्लैरिटी आ रही है तुम्हें, यस और नो, इस चीज की क्लैरिटी आई? अब ये नहीं मैं बोल रही है 3, 2, 1 नंबर रखा है, नहीं मैं बोल रही हूँ इतनी पॉसिबिलिटीज है। अगर तुम बनाने बैठ जाओ तो पहले तुम एक चीज फिक्स कर लोगे ना, 3 से स्टार्ट करके कौन कौन से नंबर बनाओगे, तो आप बोलोगे 5, 7 है ना, या 3, 7, 5, उसी प्रकार से 5 से भी 2 नंबर बनाओगे, उसी प्रकार से 7 को फिक्स करके भी 2 बनाओगे, तो तब भी 6 ऑप्शन आ गए। लॉजिक समझ में आया, यस और नो? बस तो आपको पता है आपने बातों बातों में एक इजी वाला जेई मेन का सवाल भी कर लिया, इजी वाला, मुश्किल नहीं कहूंगी इसे, ठीक है, समझ में आ गया? यूज क्या किया है तो मेरे को बता दो एक बार, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल चाहिए तो एंड आपको दिखेगा, एंड अगर आपने एडिशन यानी ऐड करना है तो आप केसेस बनाओगे और शब्द आपको दिखेगा, ठीक है, सही है, वेरी गुड। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ फैक्टोरियल नोटेशन, जो हमको बाइनोमियल थ्योरम में भी बहुत काम आएगा, तो ध्यान से सुनो। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, n फैक्टोरियल बेसिकली क्या है, सारे नंबर्स का प्रोडक्ट है, n से ही स्टार्ट करते हुए एक एक कम करते हुए 1 तक जाते हो आप, या उल्टा भी कह सकते हो, अगर मैंने बोला 6 फैक्टोरियल तो आपने बोला 1 से शुरू होकर 6 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, सो इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंजेकटिव नेचुरल नंबर्स अप टू n, सही है। 4 फैक्टोरियल मतलब 4, 3, 2, 1 कर लो, आई होप ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, n फैक्टोरियल तो मुझे पता ही है यार, ऐसे 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 करके 1 तक आओगे, n फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी तोड़ के ले सकती हूँ, नहीं हम समझ में नहीं आया, मैंने आपको बोला 5 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखो, सबसे पहले तो आप ये देख लो ना, अगर मैं आपको बोलूँ ये पूरा लिखो आप ऐसे लिखोगे, अब ये क्या है अगर मैं खाली इसे कंसिडर करूँ तो ये 4 फैक्टोरियल ही हो गया ना, अगर मुझे इसको फर्दर तोड़ के लिखना है, मैं बोलूँ नहीं नहीं यार मुझे तो 3 फैक्टोरियल तक पहुँचना है, तो आप ये भी तो कर सकते हो ना कि अच्छा फिर 5 × 4 लिखो एंड जो बाकी का बच गया है 3, 2, 1 उसको 3 फैक्टोरियल कर दो, समझ रहे हो? तो डिपेंडिंग ऑन योर नीड, तुम्हें किसकी ज़रूरत है, तुम एक एक कम करके लिख सकते हो, यस और नो? तो यानी उसी प्रकार से जनरल क्या आ गया यार, n फैक्टोरियल को मैं n × n-1 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, चमका कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में, हार्ट चमकते हुए दिखने चाहिए, हार्ट उड़ा दो एक बार, चलो मुझे देखना ये, जोर जोर से हार्ट उड़ा दो एक बारी, एग्जैक्टली लाइक दिस, ब्यूटिफुल, बहुत लॉजिकल है पीएनसी, अगर आप चीजों को समझते रहो, ये एक अलग से चीज है जो अभी के लिए मैं आपको याद करने को कह रही हूं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रूफ चाहिए होगा बता देना, 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता, 1 होता है, ठीक है, 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 होता है, आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी इमीडिएटली नहीं बता सकती, थोड़े आगे के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन प्रूफ चाहिए होगा तो बता देना। चलिए इसी प्रकार से मैंने बोला मैं इसको जितना मर्जी तोड़ सकती हूँ इफ आई वॉन्ट, एंड इसको अभी थोड़ी देर में लेंगे, ठीक है, इसको अभी मैं क्रॉस आउट कर रही हूँ, थोड़ी देर में लेंगे, तो अभी मैंने इतनी सी बात की और मैंने आपको ये भी बता दिया कि सारे के सारे ये आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किसकी क्या वैल्यू आएगी, पर नॉर्मली बच्चों को ना 6 फैक्टोरियल तक अपने आप ही याद हो जाता है क्योंकि इतना यूज़ करते हो तुम लोग कि हरे की वैल्यू क्या क्या है। आगे बढ़ रही हूँ, अभी तक जो मैंने प्रॉपर्टी सीखी आखिर उसका फ़ायदा क्या है, अब मैं आपको बोलूँ इसकी वैल्यू फाइंड करो, अगर तो आप डेफिनेशन लगाने बैठोगे इसको क्या बुलाते हो, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, इसको फैक्टोरियल बुलाते हो, लेकिन कुछ किताबों में आपको ये ऐसे भी दिखेगा, दोनों फैक्टोरियल के साइन है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बात है। दूसरा 8 फैक्टोरियल तो हो सकता है यार आप सोचो अच्छा 8 फैक्टोरियल तो नेहा मैम ऐसे होता है 4, 3, 2, 1, ठीक है, 5 फैक्टोरियल तो नेहा मैम ऐसे होता है,
और अब आप बोलोगे अरे ये तो दोनों कट गए, तो आपने बोला यार नेहा मैम इसका आंसर 8 × 7 × 6 हो जाएगा। अब आपको भी पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 8 × 7 = 56 × 6, एंड में 6 आने वाला है, ये आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन ये तो है आम जिंदगी, ये क्या है आम जिंदगी, लेकिन नेहा मैम की आर्मी की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, स्टाइलिश होनी चाहिए। अगर हम जल्दी ही ना कर पाए तो फायदा ही क्या, हमने बोला आप तोड़ सकते हो जब तक आप चाहो। तो 8 factorial को मैंने एक बार तोड़ा, 8 × 7, एक बार और तोड़ा एंड इसके आगे मैंने चुपचाप 5 factorial लिख दिया और पहले ही काट दिया, समझ रहे हो। ये क्या मैंने यूज किया, n factorial is n × n-1 factorial, लेकिन आपको जहां तक जाना है, जहां तक आपको जरूरत है, वो क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंगली पता चलेगा। एक और कम करना है तो इनको एज इट इज लिख के एक और कम करके फैक्टोरियल लिख दो। ये थोड़ा सा समझने, सोच समझ के चलने वाली चीज है, अगर चमक गया है तो एक बार नाम न लो पर कुछ तो कहो, हल्का सा कोई इशारा तो दो, एक बार इशारा दे दो अगर ये चीज समझ में आ गई है। यस सुपर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा सिंप्लीफाई करो यार, 7 factorial + 8 factorial का आंसर प्रॉपरली ठीक ठीक लगा लो, ठीक ठीक से कर लो। तो आम जिंदगी क्या होगी, तुम यार 7 factorial खोलोगे, तुम यार 8 factorial खोलोगे और फिर आंसर दोगे ऐड करके। यानी कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि 7 factorial 5040 है, 8 factorial 40,320 है, मैं इसको ऐड करके आंसर दूं। छोड़ी बच्ची हो क्या, ऐसे थोड़ी ना मैथ्स की सॉल्विंग होगी भाई। अगर इतना इतना टनों टनों टाइम लगाएंगे तो ऐसा कैसा चलेगा रे, तो कुछ तो स्टाइलिश होना चाहिए। तो मुझे ये पता है कि मैं इसको बड़े वाले को छोटे में तोड़ सकती हूँ, इसको 7 factorial ही रखो, इसको 8 × 7 factorial कर दूं। ये हो गया आपका 9 × 7 factorial, मैं लगा 7 factorial कॉमन ले लूं। आपको नहीं लगता कि ये पहली वाली अप्रोच से कई ज़्यादा सिंपल है, 6 factorial तक नॉर्मली बच्चों को याद ही हो जाता है 720, ठीक है। तो 9 × 7 × 720, हाँ मेहनत यहाँ भी करनी पड़ रही है लेकिन उतनी डेडली लेवल वाली नहीं, ठीक है, उतनी डेडली लेवल वाली नहीं। अगर मतलब इसको कैलकुलेट करना भी पड़े तो उतनी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी जितनी पहली अप्रोच में होती। यस एग्जैक्टली सुपर बच्चों, प्राउड ऑफ यू। फाइंड एक्स, अगर ये चीज़ दे रखी है तो यार जाहिर सी बात है, अब एक तरीका तो कहता है अच्छा जी इसको आप ऐसे लिख लो, 5 factorial तो 120 होता है, 6 factorial जी 720 होता है, और x तो जी 7 factorial यानी कि 7 × 720 होता है, और फिर चक्कर खा के नीचे गिर जाओ। मैथ्स ऐसे थोड़ी ना पढ़ेंगे भाई, हम कैलकुलेटर थोड़ी ना हैं, हम तो स्मार्ट लोग हैं, है ना। तो नेहा मैम की आर्मी की ज़िंदगी क्या कहती है, अब सबसे बड़ा नंबर है 7 factorial, सबसे छोटा नंबर है 5 factorial, तो क्यों ना सबसे छोटे के अंदर सबको कन्वर्ट कर दे, यस और नो, तो करना, करता क्यों नहीं। चलो ये क्या आ जाएगा 1/5 factorial, इसको लिख दो 6 × 5 factorial, इसको दो बार कम करना पड़ेगा। तो देख रहा है ना विनोद, 5 factorial तो तूने वैसे ही काट दिया, धत तेरे की, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 + 1/6, तो 7/6 तो इधर ही हो गया, ये क्या हो गया 7 × 6 हो गया। अब बताइए जरा ये भी कोई बात हुई, 1 + 1/6, ये 6 पहले ही काट दो। तो यार तुम तो यार x = 49 ऐसे ही निकाल दिया चुटकियों में, तुमने तो x = 49 चुटकियों में निकाल दिया, वरना चुटकी तक बचाने का टाइम नहीं मिला, तुम तो ऐवे ही निकाल दिया। चमका कि नहीं, क्योंकि मुझे यार लाइक्स देख के तो फील नहीं आ रही, अगर तुमको फील आ रही है तो ऐसा ड्र करके लाइक्स बढ़ने चाहिए एकदम। मैं 3 गिन रही हूँ, अप्पे कर दो, 3, 2, 1, चलो कर दिया, ठीक है। 6 ऑल्सो कटिंग, कट दिया, ठीक है जी, मज़ेदार है, सुपर। आगे बढ़ते हैं, फाइंड एन, अगर ये चीज़ दे रखी है, याद रखो जब फैक्टोरियल को खोलते हो तो एक 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 कम करते हो। मुझे लग रहा है यहाँ से फैक्टोरियल साइन मिस तो नहीं हो गया, हाँ यहाँ फैक्टोरियल है, हाँ। अब चलो आगे,
जो बच्चे भी अपनी डीपी को नेहा मैम्स आर्मी का लोगो बनाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेहा मैम प्रोफाइल पिक मिल जाएगी, डाउनलोड करके बना सकते हो। उससे मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं यार, इट इज़ सपोर्ट, इट इज़ जस्ट टू सपोर्ट, शो योर लव एंड सपोर्ट टुवर्ड्स द चैनल, टुवर्ड्स योर नेहा मैम, दैट्स इट। हर चीज़ लाइफ में कोई प्रॉफिट एंड लॉस के लिए नहीं होती है ना, कुछ चीज़ें दिल से भी होती है। तो n माइनस वन फैक्टोरियल छोटा है, इसको मेरे को तोड़ना है। कैसे? n प्लस वन, फिर एक कम किया तो n, फिर एक कम किया तो n माइनस वन फैक्टोरियल। अब तुम्हें पता है बेटा तेरा काम हो गया, ठीक है, इसको तो उठा के काट ही दोगे। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व कर सकते आप पे? आप पे यार ये तो फिर बात ही वो हो गई। n या तो माइनस फोर है ना, या फिर थ्री। आप सुनो यार, तुमने नेगेटिव के तो फैक्टोरियल कर नहीं रखे, माइनस फोर ले लूंगी तो ये तो माइनस थ्री फैक्टोरियल की बात करेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। तो n आपका थ्री है। कितने बच्चों को चमक गया है, कितने बच्चों को ये चमक गया है? इजी था, सुपर। अरे यार मजेदार। चलो एक और सवाल करते हैं इसी टाइप का और फिर कुछ आगे निकल जाते हैं, क्योंकि अब क्या है ना, फिर बहुत सेम सेम चीज़ हो जाएगी। वरना इन चीज़ों को समझ जाइए, ये आपकी प्रोबेबिलिटी में भी हेल्प करेंगे एंड आगे आपके बाइनोमियल थ्योरम में भी। यस, सो यहाँ पे क्या, अब आपको पता है n प्लस टू फैक्टोरियल बड़ा है, n फैक्टोरियल छोटा है, तो n प्लस टू, एक कम किया तो n प्लस वन, एक और कम किया तो मिल गया मुझको साथी, मिल गया। देखो अगर तो तुम यहीं से गेस करके लिख सकते हो कि n प्लस टू एन प्लस वन इक्वल टू 30, तो n क्या होगा, तो इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल। अगर तुम मिडिल टर्म स्प्लिट करना चाहते हो वो आपकी मर्जी। जैसे मुझे क्या लगता है ना कि देखो 6 इंटू फाइव होता है, मुझे ये पता है 6 इंटू फाइव 30 होता है, मतलब ये एक आपको हिट एंड ट्रायल वाला मेथड सिखा रही हूँ। ऑब्वियसली आप आम जिंदगी तो यही कहती है ना, इसे ओपन करो, इसका क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालो और आंसर बताओ। तो यानी मैं इसको 4 प्लस टू कह सकती हूँ, इसको 4 प्लस वन कह सकती हूँ, ये दोनों ही मिला के मुझे 30 दे रहे हैं, यानी n 4 हो जाएगा। ये स्टाइल कितने बच्चों को पसंद आया, ये नेहा मैम का स्टाइल है, राइट। नॉर्मल तरीका क्या होता, आप यार ओपन करते इसे, एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस थ्री एन प्लस टू इक्वल टू 30, तो एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस 28 इक्वल टू 0। अभी 28 7 इंटू 4 करके आएगा, तो आपको पता है ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब n प्लस 7 तो हो नहीं सकता, यहाँ से n इक्वल टू 4 आएगा, सही है। तो कौन सा मेथड बढ़िया लगा? लेकिन ऑब्वियसली फर्स्ट वाले के अंदर आपको ऐसी फीलिंग अंदर से आनी चाहिए, ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक बार लिख दो, ये नेहा मैम स्टाइल वाला मेथड पसंद आया या ये नॉर्मल आम जिंदगी पसंद आई, जो भी है लिख लो, ठीक है, जो भी पसंद आया उसे लिख लो। चलिए अब शुरुआत करते हैं आपके कॉम्बिनेशन की। अभी तक तो यार हमने काफ़ी बातें करी है ना, अगर 400 लाइक अभी के अभी हो जाए तो मज़ा ही आ जाए ना, है ना, मज़ा ही आ जाए, स्वाद आ जाएगा अलग ही। ओके, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चीज़ों को सिलेक्ट करना, चीज़ों को चूज़ करना, सी फॉर चूज़, राइट। तो उसने क्या किया, ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सिलेक्शन विच कैन बी मेड बाय सम और ऑल द नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स। चक्कर आ गए, कुछ ना समझ आया, अरे इतनी घनी अंग्रेजी पढ़नी थी तो टेक्स्ट बुक उठा के पढ़ लेते नहीं हम। मैम आप समझाओ, आप क्या समझाना चाह रहे हो? मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि अगर आपके पास n डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है, n डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, राइट, जिसमें से आपने r डिस्टिंक्ट थिंग्स को सिलेक्ट करना है, उसके लिए ये पावरफुल टूल होता है आपका कॉम्बिनेशन का, जिसको हम कहते हैं NCR, यानी n में से r थिंग्स को सिलेक्ट कर लो। एक इसका नोटेशन ये होता है, दूसरा इसका नोटेशन कई जगह आप ऐसे भी लिखोगे NCR, मतलब ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इसके भी अपने कुछ रूल्स, कुछ आदर्श होते हैं, है ना, जो भी आदर्श है मुझे नहीं पता, बट इट हैज सर्टेन रूल्स टू इट, राइट। क्या है रूल भैया? एक तो ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर हैं, ज़्यादा ज़्यादा होल नंबर है ना, जीरो हो सकता है।
अब इसका मतलब क्या हुआ कि R आपका 0 से लेके N तक जा सकता है. क्या ये चीज़ चमकी? क्योंकि अगर आपके पास 200 चीज़ें हैं तो आप उसमें से कितनी सिलेक्ट कर सकते हो? नेगेटिव तो कर नहीं सकते. या तो 0 चीज़ें सिलेक्ट कर रहे हो या मैक्सिमम 200 सिलेक्ट कर रहे हो. ऐसे तो नहीं है कि 200 में से आप बोलोगे 400 सिलेक्ट कर लिए हमने, छोड़ी बातची हो क्या, ऐसा तो होगा नहीं, है ना? अच्छा जी, तो अगर ये काम करना है तो फिर यही, अब इसकी डेफिनेशन पे जा रही हूँ मैं. नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम. अच्छा, ये भी नोटेशन आपको देखने को मिल सकती है, बहुत कम मिलती है लेकिन मिल सकती है. CNR, सी स्टैंड्स फॉर चूज कॉम्बिनेशन. फॉर्मूला क्या कहता है ये? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. समझो थोड़ा सा लॉजिक क्या है. टोटल चीजें n फैक्टोरियल वेज में आप फैला सकते हो, जिसमें से r आपने सिलेक्ट कर ली, कितनी नहीं करी यहां लिख दिया. मैं बहुत ज्यादा इसके प्रूफ में नहीं जा रही, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट कि इसको याद कर लो, आगे परम्यूटेशन पे आएंगे तो उसका लॉजिक यहीं से समझाऊंगी. NCR, n factorial upon r factorial into n minus r whole factorial. अब बहुत सारे बच्चों को ना कसम से कह रही हूँ, अन्य मेरे साथ भी था जब मैं 11th में पढ़ती थी, क्या ही पढ़ती थी भाई साहब. 11th में हालत ये थी कि मैं मैथ्स अब छोड़ूँ कि कब छोड़ूँ, ठीक है, समझो इसे. मेरे को भी आप लोग की तरफ बहुत कंफ्यूजन रहती थी यार, परम्यूटेशन किधर लगाते हैं भाई, कॉम्बिनेशन किधर लगाते हैं. तो आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि कॉम्बिनेशन इज सिलेक्टिंग या चूजिंग थिंग्स, करेक्ट. एंड इसका सबसे बड़ी चीज क्या है, इसके क्लू वर्ड्स क्या है? आपको कुछ ग्रुप दे रखा होगा, कोई कमिटी दे रखी होगी, कुछ सिलेक्शन दे रखा होगा, है ना. आपको चीजें बस उसमें से सिलेक्ट करनी होंगी, अरेंज नहीं करनी होंगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार मेरे पास ना, एग्जाम्पल समझो, मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं जिसमें मुझे यार 10 को सिलेक्ट करना है. कोई भाई मेरा एनुअल फंक्शन आना है ना, एंड बच्चों को डांस वांस करना है, तो ऐसे मेरे को 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं. मैंने ये तो नहीं कहा अरेंज करने हैं, मैंने ये तो नहीं कहा कि एक को यहाँ खड़ा कर दो, उधर को वहाँ खड़ा कर दो, तीसरे को उधर खड़ा कर दो. मैंने कहा सिलेक्ट करने हैं. तो बस क्या कर सकते हो आप, बोलोगे 50C10, 50 में से 10 प्राणी सिलेक्ट करने हैं. यानी कि इसको मैं फॉर्मूला में कैसे लिखूं, 50 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस 10 यानी कि 40 फैक्टोरियल. हल्का हल्का समझ में आया? अरेंजमेंट की बात हमने करी ही नहीं, हमने सिर्फ ये बोला कि भाई सिलेक्ट करके दे दे मुझे, राइट? यस और नो? यस. एक और इस सी की कहानी सुन लो. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे डिस्टिंक्ट होंगे एंड कोई इसके अंदर रेपिटेशन नहीं होती, कोई भी इसके अंदर मुन्ना रेपिटेशन नहीं होती, समझे? टंग 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 टंग. यस और नो? इजी है? वेरी इजी, ठीक है. कोई भी रेपिटेशन नहीं होती, यानी ये चीज आप प्रोबेबिलिटी में भी बहुत तगड़े तरीके से यूज करेंगे जब मैं आपको प्रोबेबिलिटी भी कराऊंगी कि कहाँ पे चीजें डिस्टिंक्ट चाहिए, कोई रेपिटेशन नहीं चाहिए मुझे. ना इसमें कोई रेपिटेशन होगी ना इसमें कोई रिप्लेसमेंट होगी, एक ही बात है. तो कॉम्बिनेशन यूज करने के ये भी कीवर्ड्स होते हैं. अच्छा जी, तो नेहा मैम थोड़े से क्वेश्चंस कराओ क्योंकि मजा तो उसी में आता है. अब सबसे पहले यार 10C4 को मैंने सिंप्लीफाई कैसे करना है? इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के तुम्हारे पेरेंट्स ने बड़ा किया था, मैं तो सिर्फ पढ़ा रही हूँ, ठीक है. तो समझो 10C4 मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 4 यानी कि 6 फैक्टोरियल. अब भाई इसको सॉल्व कैसे करें? तो नेहा मैम की आर्मी की ज़िंदगी क्या कहती है, आर्मी की ज़िंदगी यही कहती है ना कि इसको कैसे छोटे से छोटा करूं कैलकुलेशन को. तो इसमें सबसे छोटा 4 फैक्टोरियल है. अच्छा 10 फैक्टोरियल को मैं तोड़ूं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, बस रुक जाओ, 6 फैक्टोरियल है ना, यही कट जाएगा. 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बस. अब मज़ेदार बात यह है, ये तो कट गया और इसमें से भी काफ़ी चीज़ें खत्म. काटो 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 काटो, 4 इंटू 2 8,
थ्री थ्री जा नाइन, तो ये क्या हो गया, 3 × 7 21 × 10। बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल, ठीक है। सो 210। हो गया, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। सॉल्विंग आई होप हमें पकड़ में आई होगी। चलिए इसी तरह एक एनसीएन क्या होगा, लॉजिक एरे, लॉजिक समझ तो बता। एनसीएन क्या होगा, आप बोलोगे एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन फैक्टोरियल, तो ये दोनों कट गए, जीरो फैक्टोरियल कहा था ना, वन होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं मुन्ना। हाँ जी, अब आते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट अ फोर लेटर वर्ड इन अंग्रेजी, ये करके दिखाओ पहले ये। अब मैंने ये नहीं कहा कि उस वर्ड का कोई मीनिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैंने बोला भैया कितने, अब ये थोड़ा ना आप कर सकते हो यार, अब मैथ्स ये थोड़ी ना बताएगी कि कितने वर्ड्स का मीनिंग होगा कितने का नहीं होगा, है ना। जैसे अब आपने मैथ ही सिलेक्ट कर लिया MATH, भैया उसको मैंने HTAM कर दिया, अब हटाम, कोई मीनिंग नहीं है ना, लेकिन भैया वर्ड तो वर्ड होता है, ठीक है। तो अब अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं, 26, आपने बनाने हैं फोर लेटर वर्ड, तो 26C4, यस और नो, हाँ। अरे जिन जिन ने 26C4 लिखा, प्राउड ऑफ यू, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है 500 लाइक पे लेके जाना जल्दी से, समझ में आया। अब मैं इसको बोलूँ सिंप्लीफाई ही कर दो, तो देखो 26 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 22 फैक्टोरियल, समझो आपने जो बड़ा वाला है बस वहां तक इसको सिंप्लीफाई करना होता है। कोई बहाना बना ही लेंगे, ये दोनों कट गए, ठीक है। अब इसमें से भी काफी काट पीट होगी, वो आप करते रहना, बट द आइडिया इज कि आपको एक वाइब मिल गई कि यार ये करते कैसे हैं। अगर समझ में आ गई है तुमको ये बात, तो हार्ट जैसे चमक रहे हैं वैसे ही चमकाते रहो, ठीक है, समझाते रहो। सुपर बच्चों, चलिए सुपर प्राउड, बहुत बढ़िया, जितनी भी कैलकुलेशन हो उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो मेरे बच्चे कर लेंगे। ये क्या था, ये क्या था, चलो, देर आर 12 फ्रेंड्स, ईच ग्रीटेड अदर बाय शेकिंग हैंड्स, हाउ मेनी हैंडशेक्स टुक प्लेस। यार मुझे सडनली इसको देख के मिल्क शेक याद आ रहा है, एनीवे छोड़ दो उसे। 12 फ्रेंड्स है यार, आपस में उन्होंने हैंडशेक किया, हेलो 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 हेलो, तो कितने हैंडशेक हुए, ये तो अजीब ही बात हो गई, ये तो ऐसा लग रहा है कोई मर्डर इन्वेस्टिगेट करने गए हो कि पता करो दया, 12 लोग थे, कितने ने हैंडशेक किया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस, अब यार मेरा घर ना एयरपोर्ट के पास है, मैं कभी भी उड़ के आ सकती हूँ, तुम बताओ किधर हो, किधर उड़ूँ बताओ। तो यहाँ पे क्या है, अब हैंडशेक करने के लिए दो हाथ चाहिए, है ना, 12 फैक्टोरियल मत लिखो यार प्लीज़। हैंडशेक करने के लिए कितनी सामग्री चाहिए, 12 लोग हैं, करेक्ट, 12 लोग के पास दो दो हाथ, अब दो हाथ मिलेंगे तभी हैंडशेक होगा ना, तो 12C2, ये चार लोगों के हाथ लेके तुमने क्या वो करना है, मतलब ऐसा ऐसा गोल गोल घूमना है, मतलब क्या बोलते हो तुम बता दो, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 12 × अच्छा मैं इंटू पे नहीं आती सीधा, मतलब डायरेक्ट ही आंसर बताने लग गई थी, 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, तो 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल 2 × 10 फैक्टोरियल, तो इन दोनों को काट पीट के 66 हैंडशेक्स हुए पार्टी में। ये गिन के हमको क्या मिला वो नहीं पता, बस सवाल का जवाब मिला ये पता है, 12C2, समझ गए, 12 लोग और दो हाथ मिल के एक हैंडशेक बनेगा, रिंगा रिंगा रोजेस कर लें, ठीक है, ठीक है जी, समझ में आई ये बात। अभी कुछ प्रॉपर्टीज है जो तुम्हें बहुत काम आने वाली है, थोड़ा सा तनिक रुक जाइए, अभी बताती हूँ, पहले यहाँ जाओ। हाउ मेनी कमिटी ऑफ 5 persons विद अ चेयर पर्सन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 12 persons, यानी क्या टोटल 12 बंदे हैं,
ठीक है, इन हाउ मेनी कमिटी ऑफ 5 पर्सन इन हाउ मेनी वेज होना चाहिए, 5 पर्सन को आपने सिलेक्ट करना है विद अ चेयरपर्सन। तो इस केस में आंसर कैसे दोगे, जरा मैं भी देखूं इसमें बच्चे आंसर कैसे दे रहे हैं। आई एम इनक्विजिटिव। उसने कहा विद अ चेयरपर्सन, यानी इन 5 लोगों के अलावा, बियॉन्ड दीज 5 पीपल आई हैव टू सिलेक्ट 1 मोर पर्सन हु विल बी द चेयरपर्सन। ठीक है, तो मैं ये कर सकती हूँ कि यार टोटल 6 लोग मुझे सिलेक्ट करने हैं, तो 12C6 समझे, 12C5 होता अगर टोटल बस इतने ही करने थे, समझे कि नहीं समझे, यस 12C5 नहीं 12C6, यस। प्लस वन चेयर मैंने अगर लिखा होता, जो बच्चे 12C5 कह रहे हैं 12C5 तब होता अगर ये होता सवाल कि इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, मैंने यहां पे इंक्लूड नहीं कराया चेयरपर्सन को। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी सी, इसको जरा ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ क्या होने वाला है। चलिए अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वेज इन विच 6 रिंग्स कैन बी वर्न ऑन 4 फिंगर्स ऑफ 1 हैंड। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक चीज देनी होनी चाहिए, लाइक एवरी फिंगर शुड हैव एटलीस्ट 1 फिंगर, एवरी फिंगर शुड हैव एटलीस्ट 1 रिंग, ये मेरे को शुड हैव एटलीस्ट 1 रिंग ये गिवन होना चाहिए था क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, डबल मीनिंग क्वेश्चन हो जाएगा वरना, ठीक है, ये दिया होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। अब करो, Number of ways in which 6 rings can be worn on the 4 fingers on 1 hand is क्या, जहां पे आपको पता है कि हर एक में एक एक रिंग तो आएगी ही आएगी, लेकिन पेनी भी 6 हैं, तो उसके लिए क्या करूं मैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अगर तुमने इसको पकड़ लिया तो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है अगर तुम इसे पकड़ पाए तो। सिक्स ही फोर तो सब पहचान पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार ऐसा है 6 रिंग है ना, तो 6 में से पहले तो 4 रिंग सिलेक्ट करके पहना दो, एक एक सबको पहना दो, सही है ना। तो आपके पास 6 रिंग है, उसमें से कोई भी 4 सिलेक्ट करो और पहना दो। अब बची कितनी, 2 रिंग, अब बची 2 रिंग। अब इस 2 रिंग का मैं क्या करूं, ये हुई ना बात, अब इन 2 रिंग्स का क्या किया जाए, क्या करूं इसका मैं। अच्छा अब उसने एक चीज और बोली है, अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा काफी सारे बच्चे डी आंसर ऑलरेडी देना शुरू कर दिया, आप इस तरह 64 देख सकते हो। अब आपने बोला यार ऐसा है, अब मेरे पास 2 रिंग्स बच गई हैं, अब मेरे पास 2 रिंग्स बच गई है, 4C2 × 64, ऐसा क्या, तनिक सोचिए इसे ध्यान से। अब 2 रिंग्स आपके पास जो बची है, तो ये पहले मुझे ये बताओ एक हाथ में, अब माना मैंने फिंगर का है लेकिन होता तो थंब भी है, यहाँ भी तो रिंग पहनते हैं ना लोग, तो मैं ऐसा भी तो कर सकती हूँ ना कि पहले इन 5 उंगलियों में से 4 सिलेक्ट कर लूँ कोई, भाई थंब को भी एक तरीके से तो यही बोलते हैं ना, 10 उंगलियां हैं हाथ में, ऐसे तो बहुत कम लोग बोलते हैं ना कि भाई 8 उंगली और 2 अंगूठे हैं। तो पहले मैं ये कर लूँ 5C4 कि भैया 4 सिलेक्ट कर ली जिसके ऊपर रिंग पहनानी है, एंड देन 6 रिंग्स कैन बी प्लेस्ड इन हाउ मेनी वेज, इन 64 वेज, क्योंकि बाकी 2 को पहनाना ही नहीं है आपने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन कह रहे हैं नंबर ऑफ वेज इन विच 6 रिंग्स कैन बी वर्न इन 4 फिंगर्स ऑफ 1 हैंड,
एग्जैक्टली तो बस ये काम करना है ना, आई गेस काफी सारे बच्चे 5 × 64 कह चुके हैं। चलो यार तुम ही फिर इलाका डिसाइड करो मीटअप का, दिल्ली में किधर सजेस्ट। 5C4 एक्चुअली क्या होता है, देखो 5 × 4 मैं प्रॉपरली करती हूँ इसे, 5 × 4 × 1 तो ये तो सिर्फ 5 बच जाएगा ना, क्योंकि 5 को मैं ऐसे लिख दूंगी, तो 5 × 64 ठीक है, हाथी का पंजा बना दिया। अब ऐसा ही है भाई, अपनी ड्राइंग तो ऐसे ही है। चलिए जो बच्चे 4:6 की बात कर रहे थे, तुम रेपिटिशन पे पहुंच गए, वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो मैं अलग करूंगी अभी नहीं, बेसिक्स में नहीं। यहां पे आ जाओ, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 men and 2 women फ्रॉम 6 men and 6 women, तो यार 6 men and 6 women है ठीक है। अब नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 men and 2 women, मैंने कुछ ज्यादा ही तेज तो नहीं बन गया भैया, RIP उन लोगों के कान जब मैंने एंड इतनी जोर से बोला, अगर तुम ईयरफोन्स में सुन रहे थे मुझे तो ठीक है। ये काम करना है, एंड मतलब मैं एक्साइटेड हो गई यार, एंड मतलब मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 में से 3 men को सिलेक्ट करना है, तो 63 × 62 यस और नो, ये चीज पकड़ में आई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे समझो, अ मैन हैज 9 friends 4 boys and 5 girls। अच्छा तो एक मैन है यार, उसके 9 friends हैं, जिसके अंदर 4 boys हैं राइट एंड 5 girls हैं ठीक है। इन हाउ मेनी वेज ही कैन इन्वाइट देम इफ देर हैव टू बी एग्जैक्टली 3 girls इन द इन्वाइट, तो 3 लड़कियों को तो बुलाएगा ही बुलाएगा ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही इन्वाइट देम इफ देर हैव टू बी एग्जैक्टली 3 girls, एग्जैक्टली 3 girls होनी चाहिए, तो यानी आपने 3 लड़कियां तो भाई सिलेक्ट करनी ही करनी है ओके। अब इसने ये तो बताया नहीं कि टोटल कितने बंदों को इन्वाइट करना है, भैया 5 में से 3 लड़कियों को तो इन्वाइट करना ही करना है उसने, अब बाकी बाकी कितने बचे हैं, बाकी यार 4 लड़के बचे हैं है ना, बाकी 4 लड़के बचे हैं। अब वो हो सकता है किसी को भी इनवाइट ना करे, हो सकता है सिर्फ 1 को करे, मुझे दे नहीं रखा ना कि कितने लड़के कर सकते हैं है ना, मुझे एग्जैक्टली ये बच्चे भी ये सवाल पूछ रहे हैं भाई कितने बुलाने हैं, ये तो बताया ही नहीं। अगर नहीं बताया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो देखो फिक्स्ड है कि 3 लड़कियां तो आएंगी चाहेंगी, बाकी केस 1 no boys 0 boys भाड़ में जाओ ठीक है, कोई लड़का नहीं आएगा। केस 2 1 boy, केस 3 2 boys, केस 4 3 boys एंड केस 5 अरे सारे लड़के बुला लिए उसने ठीक है, नहीं पता उससे तो 0 मतलब 4C0 यार, 4 में से किसी को भी नहीं बुलाया ठेंगा, यहाँ 4C1 यहाँ 4C2 यहाँ 4C3 यहाँ 4C4 समझे। अब उसने कहा दिस ही कैन इनवाइट देम एंड ऑब्वियसली ये तो बुलाना ही है एंड लड़कों को बुलाना है, तो मैं 5C3 तो कॉमन ही ले लेती हूँ ना, वो तो हर केस में ही आएगा। 4C0 कितना होता है, 1 ही होगा ना, कैसे ये क्या हो जाएगा, 4 × 0 × 4 कटम पटम करके 1, 4C1 कितना होता है, 4 होगा, ये ना कहीं अपने हाथ पे टैटू करा लो, NC1N होता है, टैटू करा लीजिए कैसे, NC1 देखो ना क्या हुआ, N·1·N−1 तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फिर ये कटम कटम हो जाएगा और N ही आ जाएगा, तो इसको रट लो, तो 4C1 ठीक है। 4C2 कितना आएगा, कितना मजा आए रे, जल्दी बताओ रे। अब जैसे ही 500 लाइक होंगे ना, बहुत मजेदार प्रॉपर्टीज बताने वाली हूँ। 4C2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 × 2 × 2 तो ये 4 को मैंने लिख दिया 4 × 3 × 2 कट जाएगा, 4 × 3/2 तो ये 6 आ जाएगा।
लिख दूँ डायरेक्टली? अच्छा, 4C3। अभी प्रॉपर्टी बताऊंगी ना तो बहुत आसान हो जाएगा ये, पर अभी के लिए ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 factorial, 3 factorial, 1 factorial, जो 4 खाली बच जाएगा, एंड 4C4 1। जब बाइनोमियल कर लोगे तो ये वैसे ही उड़ा देते, अभी हमने बाइनोमियल जब करोगे ना तो इसको वैसे ही उड़ा दोगे एनीवे। तो ये चीज़ क्या हो गई? और 5C3 तो किसी ने पूछा ही नहीं, 5 factorial by 3 factorial by 2 factorial, तो 5 into 4 2, यानी कि 10। तो ये क्या है, 5 5 10, 16 16 into 10 160। हाँ, थोड़ा सा लंबा रूट इसलिए लग रहा है क्योंकि बाइनोमियल अभी नहीं पता, लेकिन पता है तो और जल्दी आंसर को निकाल लोगे। चलो, पक्का वाला प्रॉमिस हो गया कि नहीं हो गया? पक्का वाला प्रॉमिस हुआ कि नहीं? लेट मी सी। लेट मी सी। सुपर, ठीक है, सुपर। चलिए, नाइस। अब मैंने कहा था ना बहुत अमेजिंग वाली प्रॉपर्टीज अब बताने वाली हूं, तो सुन लो। NCR इज द सेम एज NCN-R, यानी जो NCR होता है, अगर आप NC और ये N-R कर दो, दोनों चीज सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल नेहा मैम, सारे के सारे बच्चे हमारे 10C2 की वैल्यू निकालेंगे, नहीं भी निकालो, आपको पता है आप इसे फॉर्मूला से कैसे लिखोगे, 10 factorial 2 factorial 10 minus 2 8 factorial। मैं बोलूँ 10C 10 minus 2, यानी कि 8 निकालो, तो आप क्या करोगे, 10 factorial 8 factorial 2 factorial। तो ये तो सेम ही हो गया ना। इसका फ़ायदा अब मैं पीछे लेके जा रही हूँ एक कदम। मैंने कहा था ना, यहाँ देखो, 4C1 या 4C3 सेम ही बात हो गई ना, 4C1 या 4C4-1 जो कि 3 है, दोनों के दोनों ने आंसर मुझे 4 दिया। तो अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट पता होता तो मुझे आंसर अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं थी। ये प्रॉपर्टी यार कैलकुलेशंस के लिए बहुत ही तगड़ी प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो, इट्स वेरी 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 हेल्पफुल। क्योंकि अगर आपने एक बार 10C2 निकाल लिया, नेक्स्ट टाइम आपके पास 10C8 आएगा, आप डायरेक्ट उसका वैल्यू 45 लिख के आ जाओगे, दोबारा नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेरी गुड। इसको मैं बुलाती हूँ, ये मेरी फेवरेट है, इसको मैं बुलाती हूँ ब प्रॉपर्टी। सारे के सारे ब ढूंढ के लिखो, हिंदी में नहीं है तो अब इंग्लिश में कैसे लिखोगे मुझे नहीं पता। ब प्रॉपर्टी ये ट्रिक है याद कराने की, बड़ा वाला प्रॉपर्टी, ब प्रॉपर्टी। कैसे? पहले तो इसका यार सिस्टम समझो। वो कहता है NCR plus NCR-1। सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स तो सेम है, एंड ये दोनों कंजेक्यूटिव हैं, दोनों कंजेक्यूटिव नंबर है। इन दैट केस ये जो है n, वो एक नंबर से बढ़ जाएगा, एंड इन दोनों में से जो बड़ा वाला नंबर है वो आ जाएगा, इसलिए मैं इसको बुलाती हूँ b प्रॉपर्टी। और ये भैया इतनी इंपॉर्टेंट है ना, जेई में ऐसा भर भर के यूज होती है, समझ रहे हो? हाँ, सारे के सारे बा बा बा, ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, ठीक है। अरे, जिस बच्चे ने बर्ड ढूंढ लिया उसको सलाम, तुम लोग भी उसके कॉपी पेस्ट मार लो, बिल्कुल ठीक। तो फॉर एग्जांपल है ना, 10C7 plus 10C6 दे दूं मैं, तो तुम्हारे दिमाग में चमकना चाहिए कि ये दोनों सेम है एंड ये कंसेक्यूटिव है, तो यानी ये 11 बन जाएगा एंड इसमें से बड़े वाला आ जाएगा, और मुझे बस ये कैलकुलेट करना है राधा दिन में ये दो दो कैलकुलेट करूं, समझे? यस, समझे कि नहीं, बुझे कि नहीं? यस 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 यस। चलिए, इसी प्रकार से मैं आपको एक और एग्जांपल अगर दे दूं, मैंने बोला मैंने बोला 13C8 plus 13C9, अब क्या करोगे? तो क्या करोगे बताओ? आप इसके अंदर बोलोगे नेहा मैम ऐसे है, दोनों 13 है एंड ये कंसेक्यूटिव है, तो 14C9 हो जाएगा, अपने घर जाओ। यस और नो?
इजी है कि नहीं? मज़ेदार रे हाय मज़ेदार रे, तो इसको हम बुलाते हैं ब प्रॉपर्टी। दूसरा क्या कह रहा है, एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई। अब इसके दो ही कारण होंगे, या तो एक्स इक्वल टू वाई होगा या एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन होगा। मतलब ये चार ऐसी प्रॉपर्टी है जो गदर मदर है, ठीक है। यानी कि मैं फिर से बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई अगर आपको कहीं मिल जाए तो इसके दो ही मतलब होंगे, या तो बेटा एक्स इक्वल टू वाई है, और अगर ये नहीं पॉसिबल तो यानी एक्स प्लस वाई इसके टोटल के बराबर है। समझे? यानी अगर मैं आपको बोल दूं कि यार देखो तुमने n फाइंड करना है ना, और मैं ऐसे बोल दूं एन सी टू इज इक्वल टू एन सी थ्री, तो आप बोलोगे हो बुड़बत, टू और थ्री बराबर थोड़े ना होंगे। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, n इज टू प्लस थ्री यानी के फाइव। अगर चमक गया, एक स्टार ढूंढ के बना दो। अगर आपको ये बात चमक गई है और मज़ेदार लग गया तो एक स्टार ढूंढ के बना दो। चलिए आखिरी वाला सवाल, जो आपके क्लास 11th के स्कूल एग्जाम में भी टीचर को बड़ा पसंद होता है। ओह माय फेवरेट, ठीक है, एंड जेई वालों को भी पसंद होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है जो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन। आप समझ लो ये जो एडिशन वाली थी ना, इसी को मैंने ऊपर नीचे कर दिया। लेकिन इसके अंदर तनिक ध्यान रखना, देखो इसमें तो फ़र्क नहीं पड़ता बड़ा वाला किधर डाल रहे हो छोटा वाला किधर, इंटरचेंजेबली भी डाल सकते हो। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कंजेक्यूटिव तो होने चाहिए, दोनों एन एन होने चाहिए, कंजेक्यूटिव होने चाहिए, एन बड़ा वाला ऊपर होना चाहिए नंबर। इन दैट केस ट्रिक क्या कहती है अपनी, सारे के सारे मैं एक्चुअली यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको नोट्स में भी मिल जाए। ये क्रिस क्रॉस क्या होता है आगे तो तुम ही बता दोगे, एप्पल सॉस। क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस क्या मतलब हुआ नेहा मैम? मतलब बहुत ही सरल है। क्या एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, हम कहते हैं क्रिस क्रॉस को, एन को आपने इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड ये वाले में कुछ नहीं किया, एज इट इज आर लिख दिया। तो क्रिस क्रॉस और एप्पल सॉस, एंड यही आंसर आपको यहां मिल रहा है, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। समझे कि नहीं? तो नहीं हम एग्जाम्पल दे दो, तो तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैंने आपको बोल दिया यार 10c7 अपॉन 10c6, मतलब 10 नहीं लेना चाहिए मुझे, मैं ऐसे ले लेती हूँ, ये ज़्यादा n और r के अंदर ही चीज़ आती है, तो आप क्या करोगे इसको, क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस। अभी आपने सॉल्व नहीं करना, वैसे सॉल्व भी करके देखोगे तो यही आएगा। कैसे नेहा मैम एक बार ही बता दो, टू मच एक्साइटमेंट हो रही है, कैसे आएगा ये एन सी सेवन? अगर आप ऐसे लिखते n फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 7 होल फैक्टोरियल होल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 6 होल फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल तो कट ही रहा है देखो, राइट? ठीक है, अब यहां पे देखो बड़ा कौन सा है, बड़ा 7 है ना, तो 7 को तोड़ोगे, ये जो जितना बड़ा होता है ना वो उतना टूटता है, करेक्ट। n माइनस 6 है या n माइनस 7, कौन सा छोटा है? n माइनस 7 छोटा है ना, क्योंकि n माइनस 6 को आप ऐसे लिख सकते हो, खटम 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 छटम पटम, देख लो यार, फिर नेहा मैम का स्टाइल है। समझ में आ गया कि नहीं? देखो वही आ गया आंसर, बचा क्या, n माइनस 6 अपॉन 7, यस और नो? ठीक है, यू डिजर्व एन ऑस्कर। थैंक यू, थैंक यू। आई वुड लाइक टू थैंक माई मॉम, माई डैड, माई हस्बैंड, माई सन, ओ माई गॉड, माई आर्मी, हाउ केन आई फॉरगेट। बहुत ओवर एक्टिंग हो गई, ठीक है, अब आ जाओ काम कर लो, दिस इज फाइन बच्चा, यस? तो चलो, तो ये चार जो प्रॉपर्टीज है ना बेटा, ये गोल्ड माइन है, तो इसको गोल्ड कलर से लिख लो अपने पास, चाहे तो अपने घर की दीवारों पर चिपका देना। मम्मी की एक फ्लाइंग चप्पल आए तो कोई नहीं, खा लेना, लेकिन ये चारों बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सुपर्ब,
आप क्वेश्चन करते हैं, काम की बात पे आते हैं. उसने कहा NC8 इज बराबर NC2, देन फाइंड NC2. तो क्या करूं मैं? तो क्या करूं मैं यहाँ पे? बताओ बताओ क्या करें. तो आपने कहना है नेहा मैम 8 और 2 तो बराबर होते नहीं हैं, तो आप n को यानी 8 प्लस 2 यानी कि 10 लिख लोगे, और उसके बाद इसकी वैल्यू लिख दो 10C2. तो क्या हो जाएगी 10 × 9. यार मैंने ना सॉरी डायरेक्ट लिख दिया है, पर आपको भी अब तक ये चमक गया होगा कैसे, ठीक है ना. चलिए नाइस 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 ओके. चलिए XC7 − XC5 इज 0, तो एक्स क्या है, एक्स क्या है सोचो. अरे यार ये तो एक बहाना है, ये फॉर्मेट बनाना है. तो 7 5 के बराबर तो नहीं होगा. पैरेलल यूनिवर्स में हो तो मुझे पता नहीं भैया, फिलहाल तो नहीं है. तो इसकी तो एक ही बात हो सकती है कि एक्स इज 7 + 5. मेरे यारा आंसर है 12, ठीक है. यस और नो? वेरी नाइस. चलिए जी ये काम भी हो चुका है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन. धत्तरे की, अब इसको कैसे करेंगे बेटा? तनिक फीलिंग लेके आइए अपने दिल दिमाग में और फिर बताइए कि इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे. अभी क्या है ना, कुछ कुछ फीलिंग हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है राहुल, तुम नहीं समझोगे. n − 1 c7 + n − 1 c6. अगर आप देखो ये n − 1 मैचिंग है, मतलब ये दोनों सेम है. एंड मज़े की बात ये है, अरे अरे रुको इतना मज़ा नहीं करना. हाँ मज़े की बात ये कंसेक्यूटिव है, तो इस केस में क्या लगेगी? ब प्रॉपर्टी. इस केस में क्या लगेगी? ब प्रॉपर्टीज. ब का कुछ ज़्यादा ही पेट मोटा हो गया. एनीवे तो n − 1 + 1 ये n बना देगा. c7 इज ग्रेटर देन nc6. जे बात हुई ना बेटा. तो वैसे तो बेटा ऐसा है कि ये तो इक्वल के लिए यूज होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ इसका मतलब n शुड बी ग्रेटर देन 7 + 6 यानी कि n शुड बी ग्रेटर देन 13, क्या ये चीज चमकी? क्या ये चीज चमकी? आइडियली तो आप यार ऐसे देखो ऐसा ऐसा करके काटम पार्टी करके और n 13 लगाओगे, या आप सीधा ही ऐसे कर दोगे. आई थिंक बच्चों को काफी तरीके से चमकीला. ऐसे 3 गिन रही हूँ, लाइक बढ़ जाने चाहिए. टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3. ये टिक टिक घोड़े की टिक टिक है या ये टिक टिक घड़ी की टिक टिक है, ये नहीं मुझे आज तक समझ में आया. चलिए दिस इज अ क्वेश्चन बच्चों. ओ हो हो, देन NR इज इक्वल टू क्या? तो ये चीज दे रखी है भाई साहब, एंड ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है तुम्हारी स्कूल टीचर का भी. मैं बता रही हूँ, पूछ लो मेरे से, बता रही हूँ. एंड ये जेई में भी रिसेंटली काफी पाया गया है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. क्या कहना चाह रहा है वो? n + 1 cr + 1 = ncr = n − 1 cr − 1 = this. आपने क्या करना है? आपने खानी है क्रिस क्रॉस तेजी एप्पल सॉस. यानी कि पहले मैं एक एक करके लेती हूँ, मैं इन दोनों को लेती हूँ. ठीक है, यहाँ पे ये सिचुएशन हो रखी है, तो क्या मैं वो प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ? यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है ना, नहीं नहीं ये वो वाला सीन नहीं है. इस क्वेश्चन को ना अभी स्किप मारो, ये काफ़ी लंबा चौड़ा चलेगा. मैं अगर मेरे पास NCERT की किताब है ना, मैं वो क्वेश्चन कराना चाहूँगी, क्योंकि इससे तो भरपूर कैलकुलेशन के साथ होगा. रुको ज़रा, NCERT मैं नहीं हूँ. अरे चलो कोई बात नहीं, बाद में मिलता है तो बाद में कराती हूँ. यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे तो तुमको पूरा पूरा वाला ये करना पड़ रहा है 11:6 लेके. तो मैं सोच रही हूँ क्या इसके अंदर भी अगर क्रिस क्रॉस थे एप्पल सॉस लगा दूँ क्या, एक बारी चेक करने दो. n + 1 − r / r + 1 n + नहीं 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 नहीं
इसको थोड़ा सा वेट करवाना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा इस पर इंतज़ार कर लो। NCERT का थोड़ा सा वेट करते हैं, तो जिस तरह का सवाल मैं लगवाना चाह रही हूँ ना वो करेंगे पहले। अभी यहाँ पे हम एंटर करते हैं आपके परम्यूटेशंस के जोन में, ठीक है। तो परम्यूटेशन के जोन में यहाँ पे एंटर करते हैं कि क्या यहाँ पे किया जाए, क्या होता है ये। बेसिकली हमें यहाँ पे समझना होगा परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ईच, इसका सिंपल सा मतलब है, देखो ज़्यादा इंटी पिंटी शंटी नहीं करना। क्या आपने किसी चीज़ को अरेंज करना है, उसके लिए पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो आपको पहले से सिलेक्ट करके दी जा चुकी है वो चीज़, है ना। अदरवाइज आइडियली क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यार ऐसा है इस क्लास में 10 बच्चे हैं, आपको दो को सिलेक्ट करके इस बारी अरेंज भी करना है कि कौन फर्स्ट आया और कौन सेकेंड आया। अब आपके पास दो जिम्मेदारियां हैं, तो आपको सिर्फ सिलेक्ट नहीं करना, आपको सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट करना है। परम्यूट वर्ड का मतलब ही होता है अरेंज करना चीज़ों को। तो सिलेक्ट कैसे करोगे, 10C2 दो बच्चों को सिलेक्ट किया, अब अरेंज करना है। तो या तो पहले बच्चे को आपने फर्स्ट दे दिया और दूसरे को सेकंड, या फिर जो पहले वाला निकाला था वो सेकंड है और दूसरे वाला फर्स्ट है। तो यानी दो तरीके हैं, ये आपको आंसर दे रहा होगा, सही है, ये आपको आंसर दे रहा होगा। अब इसके अंदर सिंबल क्या होता है, NPR। आप NPR को आप PNR की तरह भी आपको दिख सकता है, ठीक है। अच्छा, क्लू वर्ड्स क्या है, अरेंजमेंट करना है, शेड्यूल करना है, ऑर्डर करना है, राइट। फॉर्मूला इसका क्या है NPR का, ये तो, ये तो देखा देखा नहीं लग रहा NCR से। मैंने आपको क्या कहा कि यार परम्यूटेशन क्या होता है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। अब बहुत मज़ेदार चीज़ बताने वाली हूँ, मैंने कहा यार सिलेक्ट आपने किया, अरे बाबा ये N तो इट्टा बन गया, इट्टा NCR किया, और फिर आपने अरेंज किया इन R ऑब्जेक्ट्स को, अरेंज किया R फैक्टोरियल वे में। जो अगर मैं यहाँ का फॉर्मूला मैंने कहा था याद कर लेना, तो दूसरा आप पे यहीं से डिराइव करवा दूंगी, यही है वो फॉर्मूला। तो यानी NPR एक्चुअली NCR इंटू आर फैक्टोरियल ही होता है। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे आर फैक्टोरियल क्यों किया, है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे समझ लो कि हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, यानी अलग अलग, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। और उसके अंदर भी मैंने आपको तीन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए। मैंने कहा यार मेरे को नंबर बनाने हैं, नंबर में तो ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है ना, तो बताओ कितने नंबर बना सकते हो 1, 2, 3 लेके। तो आप बोलोगे नेहा मैम ऐसा है, अगर मैं 1 को फिक्स कर लूँ तो 2, 3 या 1, 3, 2 बन जाएगा, ठीक है। फिर 2 को फिक्स कर लूँ तो 1, 3 या 3, 1 बन जाएगा। सिमिलरली 3 को फिक्स कर लूँ तो 1, 2 या 2, 1 बन जाएगा। यानी 6 नंबर, जिसको मैं कह सकती हूँ 3 फैक्टोरियल। समझेगी नहीं। तो यानी यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। एंड अगर आपको ये PDF चाहिए मेरी हैंड रिटन नोट्स वाली, तो यार आपको वीडियो को करना होगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जल्द से जल्द दे दूँ, एज सुन एज वी हिट 1000 लाइक्स। सबसे पहले यानी कि आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन आर फैक्टोरियल वेज, ठीक है। आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन आर फैक्टोरियल वेज, ये चीज आपको समझ में आ रही है, यस। एंड इसी के बेसिस पे मैंने बोला कि इनटू आर फैक्टोरियल कर दो, लेकिन बार बार मैं एक शब्द का यूज कर रही हूँ विच इज डिस्टिंक्ट। आपका कॉम्बिनेशन हो या आपका परम्यूटेशन हो, डिस्टिंक्ट वर्ड पे चलता है। अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो उसका थोड़ा सा कुछ और करते हैं, हम एक डाइवर्ट कर देते हैं चीज़ को, वो भी बताऊंगी। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या हो रहा है, आज मज़ा आएंगे कि नॉट आएंगे। हाँ जी, मज़ा आएंगे कि नॉट आएंगे। एट पी फाइव,
अगर आप करना चाहते हो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 फैक्टोरियल विच इज 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड 3 फैक्टोरियल तो पहले 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है तो यार अब आप काटम कटाई तो करोगे चाटम चटाई और काटम कटाई 40 इंटू 7 280 ठीक है चलिए अरे ये हम क्या कर दिए रुकिए ज़रा अरे 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक कौन जाएगा अरे कॉम्बिनेशन समझ के काट दिए तो 280 इंटू 6 भी करोगे 6720 आएगा ठीक है हाँ जी 10 पी आर इज इक्वल टू 5040 तो आर लगाओ कुछ गड़बड़ कर दिए हैं हम दोबारा कर देते हैं ये तो कैलकुलेशन है तो बच्चे उड़ा लेंगे रुक जाओ ओके 8 फैक्टोरियल ये क्या आया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड 8 3 फैक्टोरियल हाँ अब आई थिंक आएगा इसका आना चाहिए आंसर ठीक है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 सही है हाँ जी हाँ जी चलो सॉरी यहाँ पे आ जाओ 10 पी आर इज इक्वल टू 5040 अब क्या करें तो 10 पी आर बोले तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5040 अब इसको कैसे झटपट सॉल्व कर सकते हो यार इतना मेरे को पता है कि इसको मैं 10 इंटू 504 लिख सकती हूँ यानी कुछ ना कुछ मुझे जुगाड़ करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा ठीक है फैक्टराइज कर रहे हैं बच्चे बिल्कुल सही तो आप भी सही समझ रहे हो सही पकड़ रहे हो चीज़ों को आप कह रहे हो कि नेहा मैम इसको फैक्टराइज कर दो तनिक तो बात ही बन जाए तो 2 2 ज़ा 4 तो 2 2 ज़ा 4 मैं हर बार एक ही चीज़ बोलूँगी क्या ठीक है ये प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको ज़्यादा जल्दी आती है आप जल्दी कर दो ठीक है तो ये 2 क्यूब है ये 3 स्क्वायर है इंटू 7 है इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल एंड ये है 10 माइनस आर होल फैक्टोरियल 10 पी 4 से कैसे मिलाऊं काफ़ी सारे बच्चे मुझे 4 आंसर दे चुके हैं वो कह रहे हैं नेहा मैम ऐसा है आप इस तरह से देखो 5040 होता क्या है 10 9 8 7 है ना तो आपका 10 पी आर हो क्या गया ये कब आएगी सिचुएशन आपका जब 6 कट जाएगा 10 माइनस आर देखो ना आपको ऊपर चाहिए 10 9 8 7 तो यानी नीचे क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए तभी तो बात बनेगी ना 10 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 4 इज 6 फैक्टोरियल तो 10 9 8 7 तो ये थोड़े अलग लॉजिक से लेकिन आपका आंसर 4 आ जाएगा बिल्कुल सही थोड़ा हटके क्वेश्चन था लेकिन मेरे बच्चे चमकदार है चमक गए है ना सुपर ओके अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा ये हमने पहले ही करा दिया है नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज एन फैक्टोरियल ये भी मैंने बता दिया इसका मतलब क्या है इफ़ यू हैव टू अरेंज एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एन फैक्टोरियल तरीका होता है चलिए इस सवाल को देख लेते हैं कि इसको बच्चे कैसे उड़ाते हैं ध्यान से देखो आराम से पढ़ो इसे क्वेश्चन को क्या कह रहा है हाउ मेनी 3-डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड By using the digits 1 to 9 if no digit is repeated. 3-digit numbers. अब जब आपने number form करने हैं उसके अंदर हमेशा order important होता है ना तो यानी हमेशा permutation की बात होती है Logic से चलो या वैसे 1 से 9 कितने number हो गए 9. 3-digit बनाना है P3. ठीक है तो 9 factorial upon 9 minus 3 यानी कि 6 factorial. 9 इंटू 8 इंटू 7 6 फैक्टोरियल तो काट ही देंगे तो ये जो भी आ जाएगा अरे ये तो अभी किया था ना हमने क्या आया था 504 आया था ना
वचा जो पूछेगा ये समाना, कोई बहाना बना ही लेंगे। चलिए ये हो गया। मैं सोच रही हूँ मैथ वैथ छोड़ के ना सिंगिंग इंक्लाइंड करते हैं हम। दिस इज सॉर्टेड। चलो सुपर। इसका पता लगाओ क्या होगा इसका आंसर। क्या कह रहा है वो? नंबर ऑफ थ्री लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर। जब भी उसने कहा वर्ड्स बनाने हैं, देखो ऐसा है, वर्ड्स बनाने हैं। जैसे अगर मैंने बोला यार ये अल्फाबेट्स हैं, अब इसके वर्ड तो तुम कुछ भी बना सकते हो, है ना? बराबर। तो अभी ऐसे नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेटर में से 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो 6P3 ही बोलोगे ना। 6 factorial upon 6 minus 3 whole factorial, 6 into 5 into 4, 3 factorial तो कट ही जाएगा। यस, ठीक है। चलिए अब ये वाला देखते हैं एक बारी। What will be the answer for this one? What will be the answer for this one, Re? Sir ji. वो next वाला भी कर देना जी। मैम जो playlist लगी हुई है ना? हाँ जी। उसमें last video है या सबसे ऊपर वाला कर दो। ठीक है। Okay, using all the letters of the word gift, how many distinct words can be formed? Using all the letters of the word gift, how many distinct words can be formed? भैया चार words हैं, distinct है, तो चार words को कैसे arrange करोगे? 4 factorial, that's it. बेटा कहानी खत्म और पैसा हजम, ठीक है? चलिए, okay. Logarithms से याद आया, कितने बच्चों ने logarithms का session देख रखा है? 21 minutes, 21 chapters में इस वक्त जो playlist आपकी पिंड भी है एंड उसके साथ साथ description box में भी है beginners course की। logs नहीं देखा तो ज़रूर देखना, highly important session। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। How many four letter words with or without meaning can be formed out of the letters of the word logarithms if repetition is not allowed? सारे के सारे सवाल आपके repetition not allowed वाले आ रहे हैं। एंड अगर आप इस वर्ड को ही ध्यान से देख लो, इसमें कोई भी वैसे भी वर्ड रिपीट नहीं कर रहा, तो कितने वर्ड हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10P4 हो गया। चलिए ये आप पे करते रहना। अरे जो थोड़ी देर पहले आया भी था, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। थोड़ा सा यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट लेके आ रही हूँ। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, ठीक है, इन विच पी आर अलाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन काइंड, क्यू आर अलाइक ऑफ वन काइंड एंड आर आर अलाइक ऑफ अनदर काइंड। तो इस केस में एंड बाकी सब अगर डिफरेंट भी हों, इस केस में n factorial upon p factorial upon q factorial upon r factorial आंसर होता है। n factorial upon p factorial q factorial r factorial आंसर होता है। कैसे? इसके पीछे ना थोड़ा सा लॉजिक लगाती हूँ। फॉर example, पहले ना एक रेपिटेशन वाला सिखाती हूँ। मान लो मैंने बोला अगर लेटर्स ऑफ द वर्ड रूट, लेटर्स ऑफ द वर्ड रूट अगर आपने इनको अरेंज करना है, कितने वेज में कर सकते हो? मान लो आपको लॉजिक नहीं पता, वैसे तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आप बोलोगे 4 factorial टोटल वेज है, ओ दो बार रिपीट हो रहा है तो अपॉन 2 factorial कर दो, तो इसका आंसर 4 into 3 12 आ जाना चाहिए। बट ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता और आप बोलते नहीं मैम लॉजिक बताओ यार ऐसा क्यों होगा, मैं आपको बोलती हूँ ओके तो जो बच्चे गाने की पुकार कर रहे हैं तो मेक श्योर वो जो प्रोबेबिलिटी वाला सेशन जो पिंड है उस पर मुझे विद इन द सेशन 150 लाइक्स करके दिखाओ एंड आई प्रोमिस यू बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपके पसंद का एक गाना गाऊंगी, ठीक है, बशर्ते लिरिक्स आते होंगे। चलो बट डेफिनेटली वी गोना सिंग सम सॉन्ग। अच्छा यहाँ पे आ गया, तो मैंने मान लो कि वर्ड्स अलग है, मैंने बोला ये O1 और O2 है, मान लो डिस्टिंक्ट की तरह से बिहेव करो, ठीक है,
ओवन O2 ऑक्सीजन बना दिया हमने, तो अब इसके अंदर आप R को फिक्स करके वर्ड बनाओगे तो आप बोलोगे O1 O2 T, अब बुलाओगे O2 O1 T, अब बोलोगे O1 T O2, आप बनाओगे O2 T O1। चार वर्ड है रे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसी प्रकार से मैंने आगे पूछा तुम लोग से, तो तुमने क्या बोला नेक्स्ट टाइम, नेहा मैम मैं टी को फिक्स कर दूँ, तो वहाँ भी ऐसे ही चार केसेस होंगे, है ना। चलो लिख ही देती हूँ, कंजूसी नहीं करती, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं इस बार ये टी फिक्स कर दूँ, तो O1 O2 R O2 O1 R, ठीक है, O1 R O2 O2 R O1, ठीक है जी, सही है। अब नेक्स्ट टाइम मैंने बोला कि मैं O1 फिक्स कर देती हूँ, तो आप इस पे बोलोगे R O2 T, ठीक है, R T O2, ठीक है, O2 R T O2 T R, एंड सेम कहानी है जो इस पे दोहरानी है। तो अब मैं नहीं दोबारा लिख रही, अब मैं लिख रही हूँ चार आएंगे। तो इस हिसाब से तो नेहा मैम काफ़ी सारे केसेस आ गए, लेकिन अब मैं अगर O1 O2 हटा दूँ, क्योंकि भाई है तो अल्टीमेटली सेम ही ना, O तो O ही होता है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाले केस में देख लेती हूँ कि क्या हाल हो रहा है। ये दोनों तो यार एक ही बात हो गई, और ये दोनों भी एक ही बात हो गई, उसी प्रकार से ये दोनों भी एक ही बात हो गई, और ये दोनों भी एक ही बात हो गई, एंड सेम वेज बच्चा यहाँ भी यही हाल हो रहा है। तो यहाँ से एक्चुअली टेक्निकली दो ही केस निकले, यहाँ से भी टेक्निकली दो ही केस निकले, राइट। यहाँ चारों अलग हैं, राइट, एंड यहाँ चार अलग है, तो चार चार आठ और चार बारह केस निकले, जो आपके पहले भी आ गए। चार चार यानी के बारह केस निकले जो आपके पहले भी आ गए थे, करेक्ट। तो यानी क्या हुआ, हमारा सारा का सारा स्ट्रक्चर जितना सोचा था, अब यहाँ पे अगर आप O2 हटा भी देखो, ये देखो यहाँ भी तो रिड्यूस हो जाएंगे ना बेटा, ये देखो यहाँ भी चार के बोल रही हूँ, यहाँ भी देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है ना, और ये दोनों भी सेम है, तो यहाँ से भी दो आए और फिर यहाँ से भी दो आए। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई, तो कोई हमने केस छोड़ा तो नहीं, कोई हमने केस छोड़ा तो नहीं। मैंने यहाँ पे कहा टोटल 4 factorial by 2 factorial, जो कि हो जाएगा 4 into 3 upon 2 factorial, है ना, जो यहाँ से कट जाएगा, एंड 12 केस बनने चाहिए। यस और नो? R से स्टार्टिंग कर ली, T से स्टार्टिंग कर ली, O1 से करूँ या O2 से करूँ, वो तो बात ही एक है। यानी अल्टीमेटली जितने टोटल केसेस तुम्हारे बनने वाले थे, यानी इन जनरल जो तुम्हारे 4 factorial केसेस बनने वाले थे बॉस, वो आधे हो गए, वे रिड्यूस हो गए, समझ रहे हो। तो उस लॉजिक से जितनी रेपिटेशन है आप डिवाइड कर दो उतनी बार, राइट। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन अ रो ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड गूगल। अब गूगल के अंदर देखो यार, G दो बार है, O दो बार है, L और E एक एक बार है, टोटल वर्ड कितने हैं, 6 factorial। आप इसे लिखने बैठो, 2 factorial इसके, 2 factorial इसके, कहानी खत्म, पैसा टोटली हजम। तो क्या आ जाएगा, 6 into 5 into 4 into 3, एक 2 factorial आप इससे काट ही लेंगे, ठीक है, एंड ये भी 2 into 1 ही होता है, ये काट दिया, ये काट दिया, तो आंसर अपना कितना आ गया, 3 2 6, 6 5 30, 30 into 6 180, समझ में आया। तो जहां भी आपको सेम नंबर आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, वो आपको उस आंसर तक जो भी आप सोच रहे थे उसको डिवाइड करना पड़ेगा तुम लोग को। यस और नो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं, राइट। आई होप ये सारी की सारी क्लैरिटी मुझे आ गई है। उसी प्रकार से मैं आपसे एक और वर्ड पूछ लेती हूँ, ओके। मैं क्या करती हूँ, मैं ये, हाँ, अब ये बहुत ही फेवरेट वाला सवाल, मैंने बोला हाउ मेनी लेटर्स ऑफ द वर्ड कैन बी मेड फ्रॉम लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, हाउ मेनी वर्ड्स। अब आपको पता है मैंने वर्ड्स गाए तो यार अरेंजमेंट तो होगा ही, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में कितने टोटल अल्फाबेट है, आप ना यहाँ पे ये काम करके रख लो, ये सेग्रीगेशन करके रख लो कि भैया कितनी कितनी चाहिए। जैसे M रिपीट हो रहा है अपना दो बार,
ए रिपीट हो रहा है एक दो दो बार, ठीक है, टी भी रिपीट हो रहा है दो बार, एच शुक्र है एक ही बार है, ई भी एक ही बार है, ठीक है, हाँ, फिर एम आ गया, ए आ गया, फिर टी आ गया, आई आ रहा है एक बार, और सी और एस भी एक एक बार। मतलब एक्चुअली वन वन लिखने की जरूरत नहीं होती, आपने रिपीटेड वाले केस देखने होते हैं। तो टोटल कितने हैं, 6 7 8 9 10 11, 11 शब्द। अभी हाउ मेनी वर्ड्स, 11 फैक्टोरियल अपॉन जिसकी जितनी जितनी श्रद्धा है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की टेंशन मत लो, सो मेनी वर्ड्स। डन। इसका फंडा सिर्फ एक ही है, ध्यान से समझना, कि आपको सारे लेटर्स को लेना पड़ेगा, सारे लेटर्स को लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये पीएनसी का बिल्कुल बेसिक वाला लेवल आज हमने अचीव कर लिया है, जो आपको जो आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि ब्लॉक मेथड, जैसे कि बंडल मेथड, जैसे कि बेगर्स रूल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीएनसी में जेई लेवल तक पहुंचती हैं, अब उनको करने में ना आपको बहुत धाकड़ वाली आसानी होने वाली है। अब आपका दूसरा सवाल होगा, अच्छा नेहा मैम मुझे पीएनसी के बेसिक्स आ गए तो मैं क्या करूँ, है ना, बोलो क्या करूँ, लिखो एक बारी। तो मैं बोलूँगी ऐसा है जी, आप ये करिए कि आप tinyurl.com/jeeiwithnehamam पे जाकर इस चैप्टर को खोज सकते हो, आपको ऑब्वियसली अलजेब्रा के अंडर ही मिलेगा। पीएनसी, अरे मैं यहाँ हूँ, अच्छा डबल टी, ओहो वेरी गुड। तो ये आपको यार पूरी थ्योरी आपकी मेंस एंड एडवांस लेवल वाली मिलेगी, उसके बाद आप सारे PYQs को ईयर वाइज लगा सकते हो, एनटीए के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। दैट इज द मेन एम, कि ये वाला सेशन यार आपकी फाउंडेशन को तगड़ा करता है, एंड उसके बाद आप लंबी एक छलांग मारते हो एंड जेई लेवल के सवालों पे जा सकते हो। सो दिस डॉक्यूमेंट इज लाइक योर एग्जाइलर, मतलब लिटरली आपको काफी तगड़ी वाली हेल्प करता है। तो अब आप लोग को क्या करना है कि इस वक्त आपके चिटचैट सेशन में बिगिनर्स कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट लग रखी है, जिसके अंदर ऊपर टॉप वाली वीडियो है आपकी प्रोबेबिलिटी, जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, इसे जल्दी से अभी के अभी जितने बच्चे बैठे हैं जाके लाइक करो, एंड देन आई विल सिंग अ सॉन्ग, प्रॉमिस, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी 150 लाइक्स, एंड इसके साथ साथ अगर आपको DPP चाहिए PNC की, जो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर होगी तुम लोग के साथ जैसे ही ये सेशन 150 लाइक करता है, एंड इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ जिससे हमने पूरी पढ़ाई करी है अभी, ठीक है, मेरे हैंड रिटन सारे नोट्स के साथ, देन इन दैट केस बच्चा तुमको इस वीडियो को लाइक करके भर भर के प्यार देना होगा, समझ रहे हो। सो मेक श्योर यू गाइज आर डूइंग दैट, ठीक है। तो फटाफट से मैं देख रही हूँ, जल्दी से यहाँ पे प्यार दिखाना स्टार्ट करिए, कम ऑन माय आर्मी। इफ यू वांट अ सॉन्ग तो मुझे भी, आई वांट 150 लाइक्स यहाँ पे, और मुझे पता है तुम कर सकते हो, तो जल्दी से करके डन लिखो यहाँ पे, ताकि हम फटाफट से शुरू हो जाएं। एंड मेक श्योर टू कॉमेंट अंडर दिस वीडियो कॉमेंट सेक्शन में कि यार आपको आज का सेशन कैसा लगा, राइट। एक तो लिख ही देना 100 मिनट्स बेसिक्स PNC डन, अपने जो भी हार्ट चार्ट फ्लावर व्लावर दिखा देना, यार बहुत मज़ा आता है मुझे वो पढ़ने में, एंड मोटिवेशन मिलती है, एंड उसके साथ साथ क्या आपको अच्छा लगा सेशन के बारे में, कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हो, मेक श्योर यू डू दैट, क्योंकि यार ये चैनल तो भैया इसी प्यार से जिंदा है। कम ऑन लेट मी सी, ऐसा है मैं सेशन ना अपने सामने भी खोल रही हूँ, और मैं देखना चाह रही हूँ कि बॉस झूठ तो नहीं बोल रहे, एंड तब तक साथ साथ करके और मुझे गाना भी यहाँ पे कमेंट करके बता दो जो सुनना चाहते हो। जो बच्चे डन डन करते जा रहे हैं वो फटाफट से गाना भी बता दो मुझे जो अल्टीमेटली सुनना चाहते हो। एंड ये आपकी जो सीरीज चल रही है 100 मिनट्स का डेली डोज, जिसके अंदर बेसिक्स, जिसके अंदर हम लगभग 70-75 मिनट में आपकी बेसिक्स कवर करते हैं चैप्टर की, उसके बाद आपको रिवाइज करके उसकी DPP सॉल्व करनी होती है, राइट। क्योंकि हमको समझना होगा ये बिगिनर्स कोर्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं ना कि आपने कुछ जाकर या पेड़ वेड़ काटना है तो उसके लिए आपका जो एक्स है वो काफ़ी शार्प होना चाहिए। सो सेम वे में हम अपने कॉन्सेप्ट्स को शार्प कर रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल को शार्प कर रहे हैं, ताकि फिर तुम जेई के सवाल उड़ाने जाओ ना, जेई के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जाओ तो फंडे क्लियर हो। बिकॉज बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही रहता है, अरे यार मेरे को तो
पीएनसी का भैया पी नहीं पता क्या होता है, सी क्या होता है, और मैं कहाँ से उसके जेई लेवल के सवाल लगाऊं? दिस इज अ फर्स्ट स्टेप. तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है. जो भी सेशंस हैं आप लाइव नहीं देख रहे, आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, 2x पे जाके देखो, जो पार्ट आता है उसे स्किप करके देखो, बट मेक श्योर, एंड इस तरह की सीरीज आपको कहीं भी पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी कि हर एक चैप्टर को बेसिक्स कराए जा रहे हैं आपके, हर एक चैप्टर के. राइट एवरीवन, चलिए 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 एवरीवन, कम ऑन गाइज. चलिए एवरीबडी, नहीं अब एक बार तो चलिए बच्चों, तो ठीक है, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर. तब तक आप ये काम कर देना, एंड हम शुरुआत अगले सेशन की फिर उसी के साथ करते हैं. व्हाट से, ठीक है, चलिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर माय आर्मी. आप जैसे ही ये काम करेंगे, मैथमेटिकली इंक्लाइंड के टेलीग्राम ग्रुप पे आपसे DPP भी शेयर हो जाएगी, एंड ये PDF ऑल्सो कमिंग सून. सो जाइए पढ़िए, एंड खाओ पियो जियो मुस्कुराओ. क्या पता कल होना हो, बट कल पर मतलब आपका नेक्स्ट सेशन जरूर होगा प्रोबेबिलिटी का. सी यू गाइज, हाँ जी, सो सी यू गाइज लाइव अगेन. अपना रिमाइंडर ऑन कर देना ताकि मिस ना कर दो. बाय बाय.